बाय बाय। किसी करो बढ़िया है इन्हें फाउंडेशन बहुत थोपा हुआ है आज सुंदर हाँ भाई है तो सुंदर तो है मानना भाई। हाय एवरीवन वेलकम बैक टू ईश्वर शर्मा चैनल। आज मैं जा रही थी बाहर साउथ एक्स में कोई कैफ़े है वहाँ जा रही हूँ। वो मैं अभी आपको कैफ़े का नाम नहीं बताऊँगी, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तब आपको पता लग ही जाएगा कि मैं कहाँ गई हूँ। इसके अलावा भी मैं कहीं जा रही हूँ तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वहीं पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डिजिन कैफ़े है कमला नेहरू कॉलेज के पास, यहाँ पे आए हम लोग, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड रेनू, वो हम लोग यहाँ पे आए थे। हमें वो डिजिन कैफे ना काफ़ी ख़ास लगा नहीं, बट बस ऐसे ट्रीज हैं, लव का बना हुआ है हार्ट शेप में, ज़्यादा ख़ास है नहीं। वहाँ पे फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आई हैं तो मैंने सोचा मैं क्या इसकी वीडियो बनाऊँ। तो अभी तो हम जा रहे हैं साउथ एक्स है, वहाँ पे एक मॉल है वो मैं आपको पहुँच के दिखाऊँगी। ये पीछे रेनू आ रही है, कहाँ गई दिखी नहीं रही हो तुम तो जी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी साउथ एक्स, यहाँ पे तो कैफे ज़्यादा खास लगा नहीं ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ना ही बनाया जाए यहाँ का। आधे से ज़्यादा जो रील स्टार है ना वो सारे यहीं पे आते हैं, है ना रेन? तो रेन ने बताया कि आधे से ज़्यादा रील स्टार यहीं पे आते हैं। फाइनली हम अंदर आ गए हैं। खाने की बहुत कम जगह है यहाँ पे, लाइक सिर्फ पिज्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, KFC है और चाइनीज़ फूड का भी एक है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है यहाँ पे। बाकी पूरा मॉल बना हुआ है और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। लड़की ने फाउंडेशन बहुत थोपा हुआ है आज चलो देखिए मैंने यहाँ वीडियो में सोच रही थी लोग आए किस जगह है यार ऐसी।
पानी इसमें भर के गर्म करना है। अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब तक तो आप लोग को समझ आ गया होगा मैं क्या करने जा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। या वो किस लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा किस लिए। चाय बिस्किट युवान, हाय बोलो, बाय। काफी ज्यादा गर्म हो गया, उसकी आवाज आ रही है, मैं आप लोग को सुनाता हूँ। सुनो, हो गया है ना गर्म, हो गया है ना। करते हैं इसे बंद, इसको लेके चलते हैं बाहर। ओके, तो मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो। वीडियो बनाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। छोड़ दो चल जमाना। तो बैक टू माय चैनल। यार आ जाओ कोई, ये तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। अदिति यार बना देना आके। ओके, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। One hour later. ओके गाइस, वीडियो बन गई है सी। तो मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अरे ये कौन है। लड़का ऐसा है ना, ये हमें इतना दुखी करता है पूरे दिन बाहर। बस यार, बस करो यार, बेइज्जती कर रहे हो यार तुमको। पूरे दिन ये अंदर बाहर। किससे मिले ज्यादा ये बता दो, इतनी बार अपनी हीरोइन से बताओ। इसको शर्म ही नहीं है, बड़ी दीदी के सामने ऐसे बोल रहा है। दीदी मेरी दीदी, मम्मी कहां है? मम्मी अंदर है, कहां गई मम्मी? बोल रही थी दीदी ये बेइज्जती करनी है यूट्यूब पे। नौटंकी है, एक नंबर का नौटंकी है लड़का। एक नंबर बोल दी पब्लिक। ये क्या था? ये मेरा डायलॉग। सुन ओम को, तूने ये बताया ना, ओम को है ना? ओम का दिल रांड का नहीं है। हाँ ये एक बार दोबारा से करें, एक बार दोबारा। बस यार ऐसे करना। अरे ले चल, लग जाएगी। चाय किस किस को पीनी है? मम्मी को पीनी है, मम्मी को। सुमित को पीनी है? मैं चाय नहीं पीता, मैं डाइट पे चल रहा हूँ। क्यों डाइट पे? चाय वाले चलते हैं भाई, जो चाय नहीं पीते वो डाइटिंग पे होते हैं। चाय पीऊंगा, चाय पी के बाद डाइट पे चलना मेरी आदत है। सलाद नहीं खाता। अच्छा मम्मी चल रही है डाइट पे, तो देख अभी सारे फ्रूट्स लेके बैठी हैं आज। मिली में थोड़ा बनाना, एप्पल, पपाया। आंटी अरे यार, मम्मी की पूरे दिन न्यूज़ चलती है, पूरे दिन। मेरी मम्मी से आप कितनी भी नॉलेज ले लो, बहुत कम है। चल पूछ मेरी मम्मी से। कुछ नहीं कर पाएगा इनका। वो भी समझ गया, वो भी समझ गया। देखो हमारी नानी हमसे बिना मिले ही जा रही है बाहर से बाहर। देख तेरी नानी कितनी सुंदर है। हाँ भाई है तो सुंदर तो है, मानना पड़ेगा। बाय। एक्चुअली नानी आई हुई थी सुबह, बट मैं उनसे मिल नहीं पाई क्योंकि आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी ना, तो फिर अभी वो मौसी के घर से आ रही थी, पास में ही है मौसी का घर भी, तो मैं वही नमस्ते करने के लिए बाहर गई थी क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा उनसे, मतलब उनसे मिल लूँ एक बार, क्योंकि मैं मिली नहीं थी उनसे। तो अभी बन रही है चाय। वैसे ये खाने का टाइम है, बट पापा के ना दोस्त आए हुए हैं तो इसीलिए चाय बन रही है। बहन बना रही है, बड़ी वाली बहन बना रही है। मैंने शाम के टाइम बना दी थी क्योंकि मेरी बहन मेरी हेल्प कर दी थी वीडियो बनाने में, तो मैंने सोचा आज चाय मैं बना दूँ। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ चाय, बट आज मैंने बना दी थी। मैंने उसको बोला थोड़ी सी बचे तो मुझे दे दियो, देखती हूँ थोड़ी सी बच जाए। मतलब ऐसा होता है अगर थोड़ी सी भी चाय बच जाए ना, तो बस ईशा को ही दे दो क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है चाय।
देखो थोड़ी सी नहीं बची, ले आ। लेकिन है कि पापा पियेंगे नहीं, मेरे पापा ज़्यादा चाय पीते नहीं है, तो मैं छोटू सा एक कप निकालती हूँ, इसमें ही पी लेती हूँ। इसमें डाल दे, पापा भर के नहीं पियेंगे, तू मुझे दे दो, मेरे में डाल दे। और पापा तो कम ही पीते हैं चाय से, मट्टी खाऊंगी अब। और देखो इतने सारे नूडल्स रखे हैं, ये आटा रखा हुआ है मैंने, अभी मुझे आटा लगाना है। इधर मैं दाल पालक बना रही हूँ, अभी चाय से मट्टी खाऊंगी। शाम के टाइम ने मैंने चाय इतनी मीठी बनाई थी, मेरा मन ही नहीं किया मट्टी खाने का, बट अब मुझे थोड़ा सा नमकीन खाना है। और आज मैं खाना नहीं खाने वाली, क्योंकि मेरे पास है इतना सारा जब आइटम, तो फिर मैं खाना क्यों खाऊंगी। मैं इसको फिनिश करूंगी, एकदम सॉल्टी मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैं अपनी ये वाली छोटी सी मट्टी, ये वाली मट्टी खाऊंगी। हाँ पानी ज़्यादा गर्म कर लियो, दाल में भी डालूंगी, क्योंकि आज मैंने बनाया था दाल पालक, उसमें मैंने मूंग मसूर की दाल ली थी और पालक लिया था वो बनाया, तो पूछने जा रही हूँ घर वालों से कि कैसी बनाई है दाल पालक, कैसी है। बहुत टेस्टी पापा, आप बताओ। बहुत ही यम्मी है पापा, आप बताओ। बढ़िया है। तू बता। अच्छी है। अच्छी है बहुत। मम्मी से तो पूछ ले, मम्मी से ज्यादा अच्छी बनाई है। अरे हाँ मम्मी से खाई है, मम्मी को मम्मी बताओ कैसी है आप। तो पेशेंट आई एम पेशेंट। हे गाइस, इस व्लॉग को करते हैं एंड, और देखते हैं नया व्लॉग कब स्टार्ट होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।